हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो फ्रेंड, बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जो भी छात्र यहां पर बिहार बोर्ड की तरफ से जो आयोजित किया गया था जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता, जो इसमें शामिल हुए थे, उन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आपका रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो जिला स्तरीय क्विज का रिजल्ट जारी हुआ किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, बिहार बोर्ड ने जिला स्तरीय BSEB क्विज एलिमेंट्री राउंड प्रतियोगिता का परीक्षा फल जारी कर दिया है। चयनित विद्यार्थी का नाम बिहार बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ पर देखिए वेबसाइट दे दिया गया। बिहार बोर्ड का ये ऑफिशियली वेबसाइट है, biharboardonline.bihar.government.in पर डाल दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि एलिमेंट्री राउंड में राज्य भर से 2547 विद्यार्थी शामिल हुए थे। जिला स्तर पर सभी असफल टीमों को 22.80 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, यानी कि बहुत ही बड़ी यहाँ पर राशि दी गई है। 22.80 लाख रुपए की पुरस्कार यहाँ पर दी जाएगी। जिन छात्रों का चयन हुआ है उन्हें प्रमंडलीय स्तर की क्विज में शामिल होना है। प्रमंडल स्तर की क्विज 26 जनवरी से 15 मार्च तक आयोजित होगी। पटना प्रमंडलीय स्तर में बापू, सोनाली कुमारी, आकाश कुमार, रागनी सिंह, राजनंदिनी कुमारी, सौरभ कुमार, पिंटू कुमार, गवर्नमेंट सेकेंडरी गर्ल्स हाई स्कूल गायघाट की अमृता कुमारी और गवर्नमेंट बॉयज MS स्कूल राजेंद्र नगर का छात्र दीपक कुमार शामिल है। तो फिर ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। बिहार बोर्ड ने वेबसाइट पर डाल दिया है रिजल्ट, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आपका प्रमंडल स्तर की क्विज 26 फरवरी से 15 मार्च तक आपको आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये है बिहार बोर्ड की तरफ से जो BSEB क्विज एलिमेंट्री राउंड का यहाँ पर प्रतियोगिता लिया गया था, उसका रिजल्ट को जारी कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।